अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अहमद खोखर और मैं हूं दानिश राजपूत। तो आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल मिस्टर अहमद के नाम से। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड जो सिर्फ और सिर्फ प्राइम मिनिस्टर के पीछे होती है, तो क्या ये सच है या हम लोग ने तुक्का लगाया है? नेशनल सिक्योरिटी गार्ड क्योंकि कौम की सिक्योरिटी गार्ड, कौमी सिक्योरिटी गार्ड, तो फिर हर एक इंडियन जो होगा उसकी तो ख्वाहिश होती है कि हम प्राइम मिनिस्टर के सिक्योरिटी गार्ड हो, तो फिर बगैर टाइम वेस्ट किए रिएक्शन देते हैं। लेट्स गो। डिस्क्लेमर, एनएसजी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम देखेंगे हाउ टू ज्वाइन नेशनल सिक्योरिटी गार्ड और हाउ टू बिकम अ ब्लैक कैट कमांडो। इस सीरीज की पहले की वीडियोस को देखने के लिए आई बटन या डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें। एनएसजी एक डेप्यूटेशनिस्ट फोर्स है जिसके कारण इसे ज्वाइन करने के लिए कोई डायरेक्ट रिक्रूटमेंट प्रोसेस या कोई एंट्री एग्जिस्ट नहीं करती है। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड ज्वाइन करने के लिए आपको सबसे पहले इंडियन आर्मी, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस या स्टेट पुलिस ज्वाइन करनी होगी। एनएसजी के स्पेशल एक्शन ग्रुप के सभी मेंबर्स को इंडियन आर्मी से सिलेक्ट किया जाता है। वहीं एनएसजी के स्पेशल रेंजर ग्रुप के मेंबर्स को इंडियन आर्मी के साथ ही स्टेट पुलिस और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस सीआरपीएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, एसएसबी, बीएसएफ से सिलेक्ट किया जाता है। इंडियन आर्मी को एज अ कमीशन ऑफिसर ज्वाइन करने के लिए एनडीए, सीडीएस, ओटीए और दूसरी डायरेक्ट टेक्निकल एंट्रीज मौजूद हैं। वहीं इंडियन आर्मी एज अ सोल्जर ज्वाइन करने के लिए स्टेट वाइज कंडक्ट की जाने वाली रैलीज में पार्टिसिपेट कर सकते हो। वहीं दूसरी तरफ सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस ज्वाइन करने के लिए आप सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट, एसएससी सीपीओ एग्जामिनेशन या फिर सीएपीएफ रिक्रूटमेंट रैलीज में पार्टिसिपेट करके ज्वाइन कर सकते हो। ऊपर मेंशन की गई सर्विसेज में से किसी एक को ज्वाइन करने के लिए कुछ टाइम बाद आप वॉलंटियर कर सकते हो फॉर एनएसजी। अब क्योंकि एनएसजी एक डेप्यूटेशनिस्ट फोर्स है, इसलिए हर रैंक के लिए डिफरेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और रैंक वाइज हम सभी क्राइटेरिया को एक सेपरेट वीडियो में डिटेल्स में कवर करेंगे। पर कुछ कॉमन क्राइटेरिया है जिनका आपको ध्यान रखना है, जैसे आपका लास्ट 3 इयर्स का रिकॉर्ड कम्प्लीटली पनिशमेंट फ्री होना चाहिए और अपनी पूरी सर्विस के दौरान कोई मेजर पनिशमेंट आपको मिली ना हो। आपकी मेडिकल कैटेगरी शेप 1 या ए कैटेगरी होनी चाहिए और आपका जनरल ACR यानी एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट गुड या वेरी गुड से नीचे नहीं होना चाहिए। इस क्राइटेरिया के बेस पर एप्लीकेंट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाता है। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को कई साइकोलॉजिकल और फिजिकल टेस्ट के थ्रू चेक किया जाता है वेदर द कैंडिडेट इज सुटेबल और नॉट। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को 14 मंथ्स की ट्रेनिंग के लिए नेशनल सिक्योरिटी गार्ड ट्रेनिंग सेंटर मानेसर में भेजा जाता है। ट्रेनिंग काफी चैलेंजिंग होती है जिसके कारण इसका ड्रॉप रेट है 70-80%। एनएसजी कमांडो की ट्रेनिंग डिटेल्स को हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में कवर करेंगे। जो कैंडिडेट्स 14 मंथ्स की इस टफ ट्रेनिंग को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेते हैं उन सभी को एनएसजी में इंडक्ट कर लिया जाता है। इंडक्शन के बाद सभी कमांडोज की एडिशनल स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग होती है। एनएसजी की एक फैंटम कमांडो यूनिट है और फैंटम कमांडो का टैग लेना काफी मुश्किल है। एनएसजी के बस 1% कमांडोज को ये फैंटम टैग दिया जाता है और इस यूनिट को काफी हाई रिस्क सिचुएशंस में यूज किया जाता है जहां पर फेलियर का कोई ऑप्शन नहीं होता। एनएसजी सीरीज की न्यू वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन कर ले, लाइक करें इस वीडियो को और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।
तो मजा आ गया यार वीडियोस देखकर। ट्रेनिंग काफी मुश्किल है। हाँ, इसके हिसाब से ज्यादा मेरे ख्याल से ये पहले ट्रेनिंग करते हैं, फिर उसमें वो देखते हैं कि गुड कौन है, वेरी गुड कौन है, फिर उसे शामिल करते हैं। उसका रैंक होता है जैसे कि कैटेगरी में कौन सी, जैसे आईपीएल में या पीएसएल में होते हैं ना, जो बोला जाता है इसे सिल्वर कैटेगरी में, उसे गोल्ड में, उसे प्लैटिनम में, उसे डायमंड में, इस तरह की इनकी भी कैटेगरीज होती है। तो मजा आ गया यार वीडियोस देखकर। तो हम लोगों को लगा था कि ये एसपीजी या जो ये एनएसजी है भैया, कौन सी थी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, हाँ एनएसजी कमांडो। तो हमें लगा था नेम का नहीं पता चलता बहुत बार, नहीं एनएसजी कमांडो, हमें लगा था कि ये वो मोदी है प्राइम मिनिस्टर के साथ जो, लेकिन ये पूरे कौम की सिक्योरिटी गार्ड है, पूरे मुल्क की सिक्योरिटी गार्ड होती है। पाकिस्तान में होती है एसएसजी कमांडो और वहाँ है एनएसजी कमांडो, तो एसएसजी कमांडो। मजा आ गया यार वीडियो देखकर। तो आप लोग नीचे कमेंट में बताना अगली वीडियो हम किस पर बनाए। तो बहुत देर बाद हम लोग वीडियो बना रहे थे क्योंकि यहाँ सर्विस का बहुत ज्यादा मसला है, बड़ा मसला, लाइट जाती है तो सर्विस चले जाते हैं। अब लाइट आई हुई है तो हम लोगों ने सोचा कि जल्दी जल्दी वीडियो बना ले, अब शायद पता नहीं कब अपलोड हो, तो पता नहीं 12 बज जाए क्या सिस्टम होगा। ओके, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह।